जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अहमदाबाद से अगरतला तक, बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। बीते सप्ताह मक्के में लगातार लिवाली चलने से शॉर्टेज के चलते 160 से 170 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी आई है। आलोच्य सप्ताह मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की मंडियों में मक्के में चौतरफा घरेलू और निर्यात मांग बनी रही। अमरवाड़ा, मुलताई, सिवनी, अंबिकापुर लाइन में रैक वालों की लिवाली चलने से मक्के के भाव वहाँ 140 से 150 रुपए बढ़कर 1825 से 1835 रुपए प्रति क्विंटल का व्यापार रैक पॉइंट पर हुआ। वहां के गोदामों से मक्का 1880 से 1890 रुपए क्विंटल तक बिकी। इसके प्रभाव से यहां भी 160 से 170 रुपए बढ़कर हरियाणा, पंजाब पहुंच रही मक्का के भाव 2140 रुपए से 2150 रुपए प्रति क्विंटल हो गए। बाजरा राजस्थान एवं हरियाणा की मंडियों में आवक पूरी तरह टूट जाने तथा मौली बरवाला पहुंचकर लिवाली चलने से 150 रुपए की बढ़त पर 1900 से 1910 रुपए प्रति क्विंटल रेट देखने को मिला। वहीं एटा, मैनपुरी, इटावा, कासगंज में छर्रा आदि मंडियों में 200 रुपए के भाव बढ़कर 1800 से 1810 रुपए क्विंटल हो गए। उत्पादक मंडियों में माल की कमी होने तथा निकट में कोई फसल मक्का बाजरा की आने वाली नहीं होने से 100 से 150 रुपए प्रति क्विंटल की और शीघ्र से तेजी के आसार बन गए हैं। वहीं बात करें अगर विदेशों की, तो सूखे की वजह से ब्राजील की ग्रीष्मकालीन मक्के का उत्पादन भी 16% घटकर 2.45 करोड़ टन होने का अनुमान है। इसके बाद भी शारदीय मक्का फल समेत ब्राजील का कुल मक्के का उत्पादन बढ़कर 11.94 करोड़ टन होने का अनुमान है, क्योंकि बड़े उत्पादक राज्यों में इसकी बुआई तुलनात्मक रूप से अधिक हुई है। जानकारों के अनुसार मक्का और सोयाबीन उत्पादकों को आगे भविष्य में इथेनॉल सेक्टर से बढ़ती डिमांड देखने को मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। देश के हर छोटे बड़े दुकानदार स्टोर मालिक को बिग ब्लेस देता है खुशियों के वो पल जिनका हक है आपको। बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।